हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नाम इस्माज दैदर एंड यू आर वाचिंग टेक वर्ल्ड 110। दोस्तों, ब्लूटूथ करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा, या ब्लूटूथ स्कैन करते वक्त कोई और डिवाइस शो नहीं हो रही, या फिर किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टिंग नहीं हो पा रही, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि ब्लूटूथ के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दरमोर, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। तो हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है रीसेट ऑप्शंस करके, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड नेट ब्लूटूथ, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है रीसेट सेटिंग्स का। अगर आपके पास डाटा पे कोई नेट नहीं चल रहा तो आप उसे भी रीसेट कर सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर है। उस सिम को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिंपली रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करके और आपने पैटर्न लगाना है। पैटर्न लगाने के बाद अगेन यहाँ पर वही ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपका रीसेट हो जाता है। तो इसके बाद ब्लूटूथ में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो गाइस, सेम प्रोसेस से आप भी कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लूटूथ के रिलेटेड उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।